हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। फिल्म किस तरह की है, उसके बारे में बताएं, क्या सोच के आपने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया? ये हमारे हमारे जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, अजीत जी हैं, उनका कॉन्सेप्ट मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, तो हम लोगों ने सोचा कि इस पे वर्क कर सकते हैं, तो अभी हम लोग इसको रिवील नहीं कर सकते। आर्टिस्ट कैसे लिए हैं आपने और क्या प्लान किया, कोई मतलब पुराने आर्टिस्ट के साथ नए इसमें नए चीज़ें लाएंगे? जो भी आर्टिस्ट हैं, सेमी नॉन आर्टिस्ट हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, ये हमारी फिल्म की हीरोइन है। हाय, दिस इज अद्विका शर्मा, आई एम प्लेइंग लीड रोल इन दिस मूवी एंड वी आर शूटिंग इन मड मनीषा बंगलो एंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस मूवी इज वेरी नाइस। Director, producer is he, and they both are very nice. Nature, behavior, everything is very good. और movie के बारे में अभी बताना कुछ ठीक नहीं रहेगा, आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। या ओके, ये एक्चुअली वेब सीरीज नहीं, इसको हम शॉर्ट मूवी है। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो राज को काफ़ी अच्छा लगा, जब डायरेक्टर ने हमें ये सुनाया तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि यार ये कुछ चैलेंजिंग रोल है तो इसको प्ले करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और ये एक्चुअली वेब सीरीज़ नहीं है, ये एक शॉर्ट मूवी है जिसको हम फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं। मुझे कुछ डिसीज़ है जिसका आपको मूवी में ही पता चलेगा और उस बेस पे ही ये है मूवी, तो उसका मूवी में ही रिवील होगा जो भी है, अभी कुछ भी मैं नहीं बता सकती। हाँ, इसको पहले मैं हम लोग फेस्टिवल में लेकर जाएंगे और इसके बाद इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने वाले हैं, एंड आगे हम लोग की प्लानिंग चल रही है वेब सीरीज़ की, जो प्राइम, फ्लिक्स, उल्लू, ये सब के लिए आएगी। मेरा मेन मोटो है जो भी न्यू टैलेंट है उनको लेकर अच्छी फिल्म बनाएं, अच्छे कॉन्सेप्ट को हम मार्केट में दिखाएं और कुछ जी, मैं एज एन एक्टर भी काम कर रहा हूँ। इनका मैं बॉयफ्रेंड का रोल कर रहा हूँ। जी, हमारे राइटर डायरेक्टर जो अजीत जी हैं, उनको मैंने बोला कि जिस किरदार में फिट आऊँ, तो मेरे किरदार के हिसाब से उन्होंने कॉन्सेप्ट को तैयार किया। बस आएंगे, जब फिल्म आएंगी तो आप लोग सपोर्ट करें हम लोगों का, ताकि और भी हम लोग बड़े बड़े काम करें, बहुत शेयर करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि आपको हमारी मूवी पसंद आए, हम लोग जो हमारा कैरेक्टर है आपको उस कैरेक्टर के रूप में आप हमें जानें और वो कैरेक्टर आपको अच्छा लगे, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें ढेर सारा प्यार दें, हमारी मूवी को ढेर सारा प्यार दें। सर, मेरा नाम है अजीत कामदार और मैं जो शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं मड आइलैंड में, इसका मैं राइटर भी हूं और डायरेक्शन भी कर रहा हूं। जी, एक्चुअली ये जो फिल्म बना रही है फेस्टिवल के लिए प्लान कर रहे हैं, और जी सर बोलूं? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक्चुअली सर क्या है, मैं सालों से कहानियां लिखता रहा हूं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपनी कहानियों को, स्टोरीज को सेल करता हूं, और ये जो स्टोरी है ये है कुछ मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर है, जो कि बहुत रेयरेस्ट मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें दुनिया में कुछ हज़ारों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। सो ये उसके ऊपर है बेसिकली कंटेंट है, और बीमारी का नाम मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि इस सब्जेक्ट पर अभी कोई शॉर्ट फिल्म मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगी।
तो इसका कंटेंट जो है वो बिल्कुल यूनिक है, स्टोरी लाइन बड़ी यूनिक है, और जो डिसऑर्डर में दिखा रहा हूँ वो एकदम नया है, जिसपे अभी हिंदी में किसी ने प्लानिंग नहीं किया, ना कोई शॉर्ट फिल्म बनी है। और इसका बनाने का पर्पस ये है कि हम इसे फेस्टिवल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फेस्टिवल का सर तैयारी क्या, अगर कंटेंट अच्छा है तो फेस्टिवल आपको अप्रिशिएट करता ही है, तो हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कंटेंट अच्छा बने, कंटेंट अच्छा रहेगा तो फेस्टिवल उसको एंटरटेन करेगा। आर्टिस्ट सर देखिए, मुझे हायर किया गया है टीम के थ्रू, प्रोडक्शन हाउस के थ्रू। सो जो आर्टिस्ट है मुझे प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड करा है, लेकिन अच्छे आर्टिस्ट हैं, नए हैं लेकिन मेहनती हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, जितना उनका बेस्ट है वो दे रहे हैं इस स्क्रिप्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक शेट्टी, ये मेरे कलीग है राज चांगरा, और बेसिकली एक सोशल मैसेज के ऊपर है, एलियन नाम से है, और इसके डायरेक्टर राज देवानंद जी है, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में अभय सिंह का नाम है, जिन्होंने आज काफ़ी स्ट्रगल करके आज ये लेवल को छुआ है, और उन्होंने मतलब काफ़ी इस चीज़ को हासिल करने, दोनों ने काफ़ी कुछ स्ट्रगल करके ये लेवल पार किया है, और इन फ्यूचर वो सोच रहे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए भी बातचीत चल रही है, और जो कास्टिंग के रिलेटेड है, एज़ पर द क्राइटेरिया जैसा बताया गया था उसके मुताबिक ही किया है, और काफ़ी ऐसे अप्स एंड डाउन्स थे उसके बावजूद इस लेवल पे लेके आए हैं देव राज जी और अभय, ये दोनों ने मतलब बहुत स्ट्रगल और स्ट्रेच्ड आउट होने के बाद भी एक एक्सटेंड लेवल पे इस चीज़ को लाया है, और नेक्स्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके लिए वो और एक नेक्स्ट लेवल पे करने वाले हैं, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, और हमारा तो सपोर्ट है ही, और इसके आगे भी जो कास्टिंग है उसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे नेचुरल और न्यू टैलेंट को हम प्रमोट करें, ऐसा नहीं कि जो आए किसी को भी, बट जो टैलेंट है अपकमिंग टैलेंट फ्रेशर उनको हम मौका दें। बेसिकली इतना सारा काम किया सर का भी, सर के साथ मैं काफ़ी लंबे टाइम से कास्टिंग कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें की, और इस फील्ड में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले तो अभिषेक सर ही थे, छोटे छोटे से स्टार्ट किया, आज एक इनकी दुआ से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो स्पेशली थैंक यू सर का मैं बोलना चाहूँगा, अभिषेक सर का, कि इन्होंने एक छोटे से जब शहर से आए थे, मतलब वो एक चीज़ होती है कि अपने को करना है यहाँ के मुंबई में, वो चीज़ हुई हमसे, और फाइनली आज सर की वजह से यहाँ इस जगह पे आप बैठे, तो थैंक यू सो मच इनका, और ये जो इस मूवी को जो लेके कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को जो लेके कर रहे हैं, तो इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने भी, तो कहीं ना कहीं जितना हमसे होता है हम भी हमारा बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रत्नेश बर्नवाल, आज आया हूँ मॉड में, शूटिंग चल रही है एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है एलियन, कुछ ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए, इस फिल्म का मैं हिस्सा भी हूँ, जिसे मुझे काम दिए हैं राज देवानंद जी और अभय भाई। एलियन में किरदार एक घर का नौकर है जो देखता रहता है किसके क्या हो रहा है क्या नहीं, तो घर के क्या बोले एक अंग का हिस्सा मैं भी हूँ। देखिए कभी भी मैं जब भी फिल्म किया हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा रोल, और अच्छा डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छा एक्टर, तो सब चीज़ मिला इसमें, समझ में नया चीज़ है कि भाई एक एलियन जिसे बहुत कम लोगों को मालूम है कि बीमारी क्या है, उस बीमारी को उजागर करने के लिए इस चीज़ बनाई जा रही है जहाँ तक लोगों को पहुँच सके, ये मैं काम कर रहा हूँ। करता भैया फोन कर, उसका बजट थोड़ा सा व्हाट्सअप करवाइए। देखिए सच में जो जो शॉर्ट मूवी बन रही है अवार्ड के लिए बन रही है, फेस्टिवल मतलब क्या होता है नॉमिनेशन होना, तो हमारे जो जहाँ तक पहुँचा जितना अच्छी इसका कॉन्सेप्ट है, अगर उस हिसाब से बन जा रहा है, बन जाए तो पक्का है कि नॉमिनेट होना ही होना है। मेरा प्रोजेक्ट का बोलो शूटिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब काम चल रहा है, वेब सीरीज काम चल रही है, भोजपुरी फिल्में चल रही है, और 2020 में मेरा कम से कम 4-5 फिल्में रिलीज होने वाला है, आप लोग के बीच आएगा, देखिएगा, दुलार प्यार से बात कीजिएगा। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं,
क्या है? ये बीमारी बीमारी पे ही पूरा मामला है अब। नहीं, लग नहीं गई है। बेसिकली अभिनेता है तो लगने वाली चीज़ों का अनुभव पहले कर लेते हैं हम लोग। तो ये एहसास भर दिया जा रहा है कि वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। कोई बुढ़ापे से परेशान है, कोई जवानी में पड़ती पकती हुए बाल से परेशान है। तो ऐसी एक बीमारी है, दैट्स नेम इज एलियन, राइट? एलियन इज अ सिम्टम्स, एलियन इज अ डिजीज, दोज आर फाउंडिंग इन अ वेरी रेयर केस। और उन्हीं चीज़ों पे बन रही सिनेमा का मैं एक हिस्सा हूँ। और आपके जैसे अगर पत्रकार मित्र हो तो इंटरव्यू देने का मज़ा दोगुना हो जाता है। सर प्लीज़ पूछिए। बूझी क्षमा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है। हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर तेरी किसी वक्त बदल सकती है। ना मैं राइटर हूँ इस फिल्म में, ना मैं निर्माता हूँ, ना मैं निर्देशक हूँ, बस वही हूँ जो बनने आया था। यस, अब बाकी तो आपने बना दिया हमें। हाँ सर, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। किरदार जो है सीधा जब प्रदर्शित होगा किसी फेस्टिवल में, जब हम अवार्ड लेते हुए पाए जाएंगे, या हमारे निर्माता अवार्ड लेते हुए पाए जाएंगे, या हमारे निर्देशक अवार्ड लेते हुए पाए जाएंगे, या ये खुद बतौर सहपाठी अभिनेता मित्र कोई एक एक्टर जो अवार्ड लेते हुए पाया जाएगा, तो फिर स्वयं पता चलेगा कि हमने किया क्या और हुआ क्या। मतलब आप अवार्ड नहीं लेंगे, आप ताली बजाएंगे। यस यस, दिस इज ऑल्सो अवार्ड। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है आप ताली बजाएं, और जिसको अवार्ड मिल रहा हो उसको रिवार्ड मिलेगी। वाह, आई एम गेट इट एंड समवन इज क्लैपिंग। सिर्फ यही कहूँगा मेरे दोस्त, आप डिजिटल के मित्र, डिजिटल्स में हमारा इंटरव्यू भी सुन रहे हैं और डिजिटल्स प्लेटफॉर्म पे भी ये आएगा। मतलब आप दुनिया में थिएटर के दर्शकों से ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और आप किसी को भी, रानू मंडल को फ़कीर से स्टार बना देते हो, अर्श से फर्श तक पहुँचा देते हो, फर्श से अर्श तक पहुँचा देते हो। किसी व्यक्ति को, दीपक कलाल को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हो, एक यूट्यूबर को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हो। वैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने वाले दो चार महीनों में एक सिनेमा आने वाली है, जो सिनेमा का नाम होगा एलियन। दैट्स नॉट अ फीचर फिल्म, दैट इज़ अ शॉर्ट फिल्म। बट आप तैयार रहे, एक ऐसी सिनेमा जो आएगी आपको खबरदार करेगी उन बीमारियों से जो अभी तक आपने सुना भी नहीं है, उसके सिम्टम्स के बारे में आपको पता नहीं है। एक सिनेमा के माध्यम से, एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आने वाली है, और आई होप यू विल गेट इट बेनिफिट एंड बेनिफिशियल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म पर आए हैं, फिल्म के बारे में कुछ जानकारी चाहिए आपसे, क्या है फिल्म और आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? हम तो सिर्फ आशीर्वाद देने आए हैं। एलियन की शॉर्ट मूवी है, राज साहब प्रोड्यूसर हैं, बाकी जो भी आर्टिस्ट हैं मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आगे बढ़ें और इससे बड़ा कुछ बनाएं, बड़ी पिक्चर बनाएं, हम उसको सहयोग करेंगे। तो सर आशीर्वाद भी कई तरह के होते हैं, इस तरह का आशीर्वाद रहेगा? फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, आई विल गिव देम फाइनेंस इन अ बिगर प्रोजेक्ट्स। आपने कॉन्सेप्ट के बारे में? नहीं, नहीं सुना। सर की अच्छी बात यह है कि सर हमेशा मौका देते हैं, मतलब कि किसी प्रोजेक्ट को उठाने के लिए जो सबसे मेन फंडा होता है वो पैसा ही होता है, और करता देता सर ही। और अब है बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, इसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है ये शॉर्ट फिल्म का, ये एक्टर भी अच्छा है, बंदा भी बहुत अच्छा है, उसने ही हम लोग को यहाँ पर लाया, एकत्रित किया सबको एक साथ। अब देखते हैं, होपफुली ये प्रोजेक्ट अच्छा जाए और सबकी नैया चल पड़े। बस पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर जो है यहाँ आए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सर, और आज अपना स्पेशल टाइम निकाल के आए हैं, तो इसके लिए तो सर मैं बोलूँगा कि सर धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, मेरे लिए आए, सबके लिए आए, और आपका आशीर्वाद रहा तो हम इसके बाद बड़ा करेंगे कुछ। और सर का हमेशा सपोर्ट रहा है मुझे, कुछ भी मैंने बोला कि सर ये करना है तो बोला हाँ करो, मैं सपोर्ट करूँगा। और ये एलियन एक शॉर्ट फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं अजीत जी और प्रोड्यूसर हैं राज देवानंद जी, और बहुत ही अच्छी टीम है, एक्टर सारे अच्छे हैं। हम लोग आज मनीषा बंगलो में मड़ में शूट कर रहे हैं बॉम्बे में, तो बहुत जल्दी ये सब आपके सामने आएगा, देखिए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए।
बस यही चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बात करें रिलेशन अलग होता है, लेकिन एक बिजनेस पर्पज से अगर मैं फिल्म देखूँ तो पैसा इंसान कमाने के लिए या फिर अपने अपने आप को सक्सेस। यस यस यस। तो मैं आप जानना चाहूँगा कि सर से जो ज्वाइन किया आपका। अच्छा अच्छा। नहीं सर से ऐसा नहीं, जब हम घर में रहते तो घर की बातें होती हैं, हम बिजनेस की बातें करते हैं तो बिजनेस की बातें भी करते हैं। तो इसके बाद मेरे अगले साल में कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें सर का मतलब सपोर्ट है मुझे। अब मैं भी खुलासा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो चीज़ें कैमरे के पीछे हैं, जब वो चीज़ें आएंगी सामने तो आप सब देखेंगे। तो क्या आप सर को एज एक्टर भी काम करवाना? नहीं नहीं नहीं, सर एज एक्टर काम नहीं करेंगे। और सर मतलब कि सन 1990 से पहले से सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत बड़े बड़े कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर का आशीर्वाद हमारे लिए मतलब बहुत ज़रूरी था इस बार, और इसलिए हमने सर को बुलाया। जी दिवाकर साहब, आप जानना चाहेंगे क्या किरदार आपका पुलिस की वर्दी में बैठे हुए? पुलिस की वर्दी में बैठा हूँ सर, मेरा पुलिस का तो एक ही काम है, इन्वेस्टिगेशन करना और जो भी केस है उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे भी मैं कोशिश कोशिश तो करूँगा, अब हो जाए कहानी के मुताबिक जो भी हो, अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छा है। देखते हैं पुलिस और पॉलिटिशियन साथ में रहती है, जुड़ के रहेंगे। अच्छा बन के रहा हूँ मैं। हाँ, जुड़ के रहिए, आगे बढ़ेंगे। सर आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे देश को, आज का जो नेता है और आप ऑलरेडी देख रहे हैं? सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम सिर्फ भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हैं। ये जो रुश्वतखोरी चलती है किसी भी सरकार की, उसे हम उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करते। इनका छोटा प्रोजेक्ट है, मैं आया हूँ यही सोच के कि बड़ा करेंगे बाद में, लेकिन ये उम्मीद रखता हूँ कि अपने काम दिखाएं, अच्छा करके दिखाएं, और ये एलन जो छोटी सी शॉर्ट मूवी, इसका अच्छा नाम हो। थैंक यू सर। सर मेरा नाम आनंद है, आनंद पंत, और कैरेक्टर में मेरा नाम है संजय। और ये जो कैरेक्टर है मेरा संजय, वो जो मेन कैरेक्टर, जो मेन लीड है हमारी, जिनको ये प्रॉब्लम है, एलियन हंड्रेड प्रॉब्लम है, तो उनसे मैं अटैच्ड हूँ। उनका मैं एक बॉयफ्रेंड हूँ, अभी रिसेंट बॉयफ्रेंड, तो वो मेरा कैरेक्टर है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम विश्वनाथ महाजन है, और ये जो शॉर्ट फिल्म बन रही है एलियन नाम की जो बीमारी है उसके लिए, और मैं एक सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ इसमें इंटरव्यूअर के लिए। वो लड़की मेरे पास इंटरव्यू के लिए आती है, और इंटरव्यू के दौरान मैं नोट करता हूँ कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, जिससे मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। बाद में पता चलता है कि उस लड़की को ये प्रॉब्लम थी, इसके कारण वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी। मेरा तो मैंने इसलिए साइन करी थी कि कुछ एक नया जानने के लिए, कुछ एक नई बीमारी के बारे में जानने के लिए पता चला कि क्या है ये बीमारी, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो सोचा कि कुछ नया करना चाहिए, इसलिए मैं जुड़ा इस फिल्म से। अभिनय मेरा शौक है, थिएटर में करता था, फिल्मों में अब आ गया हूँ, और इस फिल्म को, शॉर्ट फिल्म को ज्वाइन करने का यही एकमात्र उद्देश्य था कि एक नया तरह का कंसेप्ट था जो कि जनरली लोग नहीं लेते हैं, लेकिन किसी ने इस सब्जेक्ट को उठाया और उसके ऊपर फिल्म बना रहा है, इसके लिए मैं इस सब्जेक्ट से जुड़ा। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।